अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ में ट्रांसपोर्टर के बेटे के अपहरण की घटना के बाद आज सुबह फ्लावदा में एक कोचिंग सेंटर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि मेरठ में शास्त्री नगर सेक्टर 12 निवासी आसिफ के बेटे आरिफ का अपहरण बीते सोमवार की दोपहर हो गया था। बदमाशों ने किशोर की सकुशल बरामदगी के लिए 50 लाख रुपए की मांग की है। पुलिस अभी तक इस अपहरण कांड में बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई थी कि आज सुबह फ्लावदा में कोचिंग सेंटर संचालक सोनू की हत्या कर दी गई। वारदात से पूर्व सोनू कोचिंग की तरफ जाता था। सुनसान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। सड़क पर काफ़ी देर तक शव पड़ा रहा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इलाके के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें लगा दी हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन अभी तक किसी से भी कोई रंजिश होने की बात से इनकार कर रहे हैं। जिले में बढ़ती वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। ये एक सोनू नामक व्यक्ति है, जो है करीब 25 साल उसकी उम्र है, फलावदा का रहने वाला है और मवाना में कोचिंग चलाता है। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास ये एक और लड़का था मोहित, उसके साथ जो है ये अपने कोचिंग के लिए जा रहा था। पीछे बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पर। स्कूटी सवार अज्ञात युवकों द्वारा जो है पीछे से फायर किया गया, जिसमें इसकी सोनू की मृत्यु हो गई है। मौके पर सभी अधिकारीगण भी जो है पहुंच गए हैं और वहां तहकीकात चल रही है कि हत्या का कारण क्या है। जो है अभी पीड़ित पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। जो है जैसा तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार जो है कार्रवाई होगी और मौके पर सभी अधिकारी जांच कर रहे हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।